शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। निहाल। हाँ जी बता। जदो वेखो मोबाइल इच घुसया रहंदा, कदे कदे पढ़ाई भी कर लिया कर। पढ़ता तो रहना, बस तो अनु ही नहीं दिखदा, ते मोबाइल विच मैं सिर्फ नोट्स ही देख रहा सी। चंगा ऐ फड़, दूध पी लै। नमस्कार भाई साहब। हाँ अगले हफ्ते आ रहे हैं फसल का हिसाब करने लई। हाँ तुसी चिंता ना करो। जी जी जी। हाँ नमस्कार नमस्कार भाई साहब। ओहो ऐ फड़ो दूध। हाँ ले आओ। सारा दिन कम कर करके थक गई हूं, शरीर च इतना दर्द हो रहा है कि इंज लगता है उम्र हो चली है। जे तू कहे ता घर विच नौकरानी रख लेंदे आ। ना बाबा ना, नौकरानी बिल्कुल भी नहीं। याद नहीं तो अनु पिछले साल शर्मा जी ते करा चोरी हुई सीगी, नौकरानी ने ते कराई सी। भगवान बचाए एहो जे लोका तो। अरे पता चले नौकरानी रखी, करा सफाई कर दे पूरा घर ही साफ करके ले जाए। ता तुसी की चाहंदे हो, मैं करा घर दे काम। मैं इंज कहा कि तुहानू नहीं ना। अरे मैं ते कहनी हां अमित नु कॉल करके दिल्ली तो बुला लवो, ओंदी बीवी है ना, उस सारा कर संभाल लेगी। वेखो अमित दी तुसी गाली ना करो, जो उसनु आना होंदा हुण तक आ चुका होंदा। एक साल हो गया उसनु व्याह कीते होए, आना तक ही फोन भी नहीं कीता। एक तां लुक के व्याह कीता, उपरों मैं थोड़ा की डांटिया बह गया नाराज होके। अरे ओही गल हुई, एक तां चोरी उतो सीना चोरी। अरे तुसी समझन दी कोशिश क्यों नहीं करदे। अरे मैं क्या ना, ओ तुहाडे डर तो तुहाडे नाल गल करन दी हिम्मत नहीं कर पांदा। ते रही गल फोन ते गल करन दी, तां मेरे नाल ते कर ही लेंदा ना। मैं ते कहनी हां एक बारी तुसी फोन करो ना। मैं फोन करा क्यों, जे ओ अपने पियो नु फोन कर लवेगा निक्का हो जावेगा की। तुसी ते ना हर गल नु उल्टी ही ले जांदे हो। मैं दस्या ना तुहानू कि तुहाडे डर तो ओ हिम्मत नहीं कर पांदा तुहाडे नाल गल करन दी। ओनू लगदा है कि हाले तक तुसी ओनू माफ नहीं कीता। मैं ते कहनी हां तुसी एक बारी फोन करके ते वेखो, वेखना ओ पजया आएगा। नाले उंज भी हाले उंदा काम तंदा सब बंद है, पौता परेशान है बेचारा। हाँ ठीक है फोन कर लवांगा उसनु, पर सिर्फ तेरी वजह ना, नहीं तां मैनू किसे दी लोड़ नहीं है। चंगा बाबा चंगा, मेरे लई सही घट्टो घट फोन कीजिए तो सही। हम किन्नी वधिया जोड़िए, बिल्कुल ही राम ते सीता वर्गी। किसे दी नजर ना लगे साड़ी नूनू। अरे माँ इस सब दी की लोड़ है। चुप चाप खड़ा रह। अरे पहली बार साड़ी नू करा आईए, रसम ते करनी पाएगी ना। हाँ जीओंदी रह हाँ, खुश रहो हमेशा खुश रहो। बाबूजी दा भी आशीर्वाद ले लो। जी माँ खुश रहो। सुधा मेरे लिए चा ले आओ। तुसी बबो तदो तिकन मैं चाय नाश्ते दा इंतजाम करनी है। अरे मां तुसी किथे जा रहे हो। अरे तुसी बैठो तुसी आराम करो, हुण तुहाडी नौ आ गई है, हुण घर दा सारा काम सोनू करेगी। सोनू? ए सोनू कौन है? मां इस दिन हम सोनम है, पर मैं इस नु प्यार नाल सोनू कहंदा, हुण आदत हो गई है मां, तुसी समझा करो ना। अरे कोई गल नहीं। सोनू उत्थे किचन है, तुसी जाके चाह बना दियो, ठीक है? तू भी ना अमित, आंदे ही नूनू किचन इच लगा दिता। अच्छा माँ ये दसो कि निहाल दिखाई नहीं दे रहा, वो कित्थे है? निहाल कोचिंग क्लास गया है, बस आंदा ही होएगा। वीरे लो आ गया। तुसी आ गए? अरे छोटे वीर तुसी किवें हो? एकदम कैंट वीरे। और तेरी पढ़ाई किवें चल रही है? बहुत वधिया। भाभी कित्थे है, वो नहीं आए?
अरे पुत्र किचन च हैगी, चाह बनान गई है, जा जाके मिल ले, जा। अब बैग फट, हाँ। मैं मिल के आना। अरे की होया, चल बह के गल्ला कर दिया। हाँ ठीक है, मां बैठ दे। और दस पुत्र सब ठीक ते? हाँ, है ना? सब ठीक चल रहे हैं। हाय भाभी, मैं निहाल हाँ, तुहाडा एक लौता देवर। ओए मेरे सामने घूंघट रखन दी की लोड़ है, हटाओ इनू। मैं भी तो देखा मेरी भाभी किन्नी सोहनी लगती है। वाओ भाभी, तुसी तो बहुत सोहने हो। ऐसे लिए वीरे ने पापा की मर्जी तो बिना थोड़े नाल विआह किया। भाभी थोड़े नाल एक सेल्फी हो जाए, आओ ना। अरे ओ सेल्फी किंग, हो गया तेरा? और वीरे तुसी भी आओ ना। अरे चाह बनी कि नहीं बनी? ओ जी ओ, जल्दी करो यार। अरे भाई सेल्फी बाद विच ले लवी, तेरे नाल बहुत सारी गल्लां करदियां ने, चल मेरे नाल। क्या वीरे तुसी भी सेल्फी भी नहीं लैन दित्ती? अरे सेल्फी ले ली बाद, तेरी भाभी इत्थे रहण वाली है, मेरे नाल चल। आजा अरे वाह, आज तुहानू गीता पढ़ने का मौका मिल ही गया। जय हो। आहो आराम जे मिल गया नूं ध्यान नाल। वेख्या नी साडी बहू किन्नी संस्कारी है, हंदे ही सारा घर दा काम संभाल लिया। हाँ ये तो है, लेकिन सुधा तेनू इवें नहीं लगता कि नूं थोड़ा घट बोलदी है? मैं तो उसकी आवाज ही नहीं सुनी, तुसी सुनिए की किहो जिहा गल्लां करदे हो तुसी? अरे नई जगह आए, नई लोकी ने, थोड़ी ते हिचकिचाहट होएगी ना, तुसी वेखना थोड़े ही दिनां च कुल मिल जाएगी, सब नाल गल्लां करन लगेगी। अरे बहू माजी दूध। हाँ ए फड़ो जी। अरे बहू रुकते सही, हेलो पुत्र है तेरे लई। माजी इसदी की लोड़ सी? जरूरत की मैंने सी, बड़ा संभाल के रखे से इनू कि जदों अमित दा व्याह होएगा ते अपने हत्था नालों दी वोटी नू पहनावांगी, लेकिन तुसी दोनों ने मौका ही नहीं दिता, चुपके नाल व्याह कर लिया। लेकिन कोई गल नहीं, है साडे वालों तुसी दोनों लई व्याह दा तोहफा है। नाले हाँ ए कर दी चाबी, अज तो इस कर दी सारी जिम्मेवारी तेरी। फड़ो। थैंक यू मम्मी। अरे रे खुश रह, हमेशा खुश रह। वेख्या किन्नी संस्कारी बहू है साड़ी। निहाल। अरे भाभी तुसी, तेरे लिए दूध। तुसी क्यों तकलीफ की थी? मैं खुद आ जांदा। कोई गल नहीं। अरे भाभी। हाँ ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है, चीनी नहीं पाई क्या? शक्कर तो पाई सी मैं। तुसी खुद देख लो। मीठा तो है, तू कहे तो होर शक्कर पा दवा? नहीं नहीं भाभी, हुण तो होर मीठा हो गया होना, तुसी जो जूठा करता। मैनू यह निहाल ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे की होया, क्यों इतना परेशान हो? बहुत बकवास करता है। अरे यार त्योरी तो तुहाडा मजाक कर रहा होवेगा, तू उस दिन ही इतना परेशान है? मैनू टेंशन उस दिन ही है,
फिर किस गल दी है? किसे और गल दी? की होया? अमित चलो ना इत्थों वापस चल दे, मैनू इत्थे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। देखो ठीक तो मैनू भी नहीं लग रहा यार, लेकिन वापस किवें जावांगे? तेनू पता है ना असी क्यों भज्जे सी दिल्ली चो, और खन्ना तू छुटकारा पाउण लई जे असी उसदे पैसे समय से वापस नहीं किए ना, वह मेरी किडनी निकल के बेच देगा। कितना खतरनाक है तेनू पता भी है? जब तक पैसे का प्रबंध नहीं हो जाता सानू इत्थे रहना पवेगा, और यह जगह साडे लई बहुत सेफ है। टेंशन मैनू इस गल की नहीं है, टेंशन है मैनू माँ जी ते पापा जी दी। तुसी वेख्या किन्ने खुश हो रहे सी सानू वेख के? अमित जी उन्हां नू मेरी सच्चाई दे बारे विच पता लग गया तां उह हमेशा लई मैनू अपनी नज़रां तों घेर देणगे, ते फिर पता नहीं की होवेगा। देखो सोनू कुछ नहीं होवेगा, जिद्दां मैं तैनू कहा है बस तू उद्दां कर, और उह सारिआं नाल तू जिन्ना दूर रह सकदी है उन्ना सही है, और उह सारिआं नाल घट तों घट गल कर। ठीक है उद्दां ही करांगी। ते इह साड़ी, साड़ी की रोज पाउणी पैणी है? पानी तो पवेगी, वैसे भी तू साड़ी विच बड़ी हॉट लगती है। जे मैनू शुरू तो पता होता ना, मैं तेनू शुरू तो साड़ी पवांदा। मक्खन लाने की लोड़ नहीं है। अरे मक्खन नहीं ला रहा यार, सच कह रहे हैं। चलिए पापा जी चाह। माँ जी चाह। हाँ रख दो पुत्र। और है कि तू हाले तिकन तैयार नहीं हुई, मंदिर जाना है नाल। मंदिर? हाँ जाओ जाके जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई मैं बहुत प्रॉब्लम वेचा, देख तू समझा कर यार, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, बस 1 लाख दी बात है यार। बड़ी प्रॉब्लम विच है यार, मैं तेनू मैं टाइम नाल लौटा देंगा, देख मैं तेरा उधार भी दे देंगा, प्लीज। यस अमित। हाँ माँ मंदिर जाण नू कह रहे ने। की? मैं कल्ली नहीं जावांगी, मैनू डर लग रहा है। देख तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल चलांगा, तू तैयार हो जा। किसका फोन बज रहा है, चक क्यों नहीं रहे? खन्ना इस दे कोल तुहाडा नवा नंबर किवें आया? पता नहीं यार इस दे कोल ही किवें आया। तुसी फोन ऑफ करो। बहू तैयार हो गई? हां जी माँ जी। देखो हले माँ जी नाल मंदिर चल दे, इस नू आके वेख दे, मैं रेडी होनी हाँ। माँ खड़ा क्यों हो जी है? बहुत ही मजेदार बनाया किन्ने, आखिर साड़ी बहू रानी ने। पापा जी रोटी। अरे है मेरे को, लो ना। भाभी एक रोटी देना। वधिया है ना? चंगा लग रहा। खाना बहुत वधिया बनाया तुसी। अरे बहू तू भी साडे नाल बह जांदी ना, खा लेंदी साथ च। अरे नहीं नहीं मां, वो बाद विच खा लेगी, तू जा। तुसी खाओ ना। बेटा अमित खाना खाके रेडी हो जाओ, आपा पिंड जाना। पिंड? अचानक? वो फसल दा हिसाब किताब करन जाना, और तेरा ताऊ कह रहा सी अमित नु अपने नाल लेके आवी, बड़ा टाइम हो गया तेनू देखे हुए, तेनू भी देख लेणगे। पर ओ पापा। अरे पर के, वैसे भी तू की कर रहा है? दो चार दिन पिंड विच रह लेंगे, की प्रॉब्लम है? ठीक है पापा। अमित तुसी क्यों जा रहे हो? थानू पता है ना थोड़े जान तो बाद मैं कल्ली रह जाऊंगी। सोनू मैं अमित मैनू बहुत डर लग रहा है। मेरी गल सुनो, देखो पापा जी ने जिद फड़ ली है, मैं उन्हां दी गल किवें मना करा? देख तू चिंता ना कर, मैं छेती तो छेती घर वापस आने की कोशिश करांगा, तां तक जो मैं क्या है तू उसका ख्याल रखे। पर कुछ गड़बड़ होगी तां? अरे पता नहीं मैनू कुछ चंगा नहीं लग रहा। कुछ गलत नहीं होगा, देखो डरन नाल काम नहीं बढ़ेगा, हिम्मत रख तू सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं चलता। लेकिन
तुसी अपना फोन ऑन रखियो। मैं ऑन रखूंगा। ते कोशिश करियो कि शाम नु ही वापस आ जाओ। मैं शाम नु छेती वापस आवांगा। ठीक है, चलता। माँ जी, चा। अरे बहू, हो गया सारा काम? जी माँ जी। बे मेरे कोल, जदों तो तू आई है ढंग नाल गल भी नहीं कर पाया। कुछ अपने बारे दस, कुछ मेरे बारे पूछ। हां ओ माँ जी, सवेर तो बहुत काम कर रही सी ना, थक गई हां, ते सिर च भी बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा आराम कर लवा, फिर शाम नु गल कर दें। कोई गल नहीं, जाके आराम कर ले, ऐसे ही शामी गल कर लांगे। हां जी। The number you are trying to call is currently switched off. अमित, किथे हो तुसी? मैं तेरी असलियत जानता हाँ कि तू सच विच कौन है। हुणे कौन आ गया? The number you are trying to call is currently switched off. ओहो, कित्थे हो तुसी? मैं की करां? ए, मेरा नंबर खन्ना कोल कित्थों आ गया? ओह शिट। सोनू, ओ सोनू। की है? सोनू भाभी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने दो ना। तू जा, मैं लेके आनी हूं। ओके भाभी। माँ जी, दूध। थोड़ी अमित नाल गल हुई सी, सवेर तो नंबर मिला रही है, नंबर ही नहीं मिल रहा उन्हां दा। अरे पुत्तर, गांव विच नेटवर्क दी बड़ी समस्या होंदी है, इस करके फोन नहीं लग रहा होना। तेनू घबराने दी कोई लोड़ नहीं आएगी, आ जान गए हो। तू बह मेरे कोल, आ जा। वेख, तेरा ही फोन बज रहा है ना, अमित दा ही कोल होएगा। जा। किद्दां है जान? बहुत मजे नाल कट रही है सौरे घर च। जे उन्होंने तेरी सच्चाई बारे पता लग गया तां की होवेगा? सोच। बहू। हां जी माँ जी। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। माँ जी, नाश्ता तां करके जाओ, रेडी है। नहीं पुत्र, मैं आके खावांगी। अच्छा, निहाल उठिया के नहीं? नहीं माँ जी। एक नंबर दा आलसी है, 10 बजे तो पहला उठन वाला ही नहीं। जी, तुसी कौन? नमस्कार माँ जी, मेरा नाम महेंद्र खन्ना है। अमित हैगा करे? नहीं, होते नहीं हैगा। नहीं है? ओ सोनू, तू इत्थे है?
मैं कदों का फोन ट्राई कर रहा, तुसी लोग मेरा फोन क्यों नहीं चक रहे? पुत्र तू इनू जानदी है? अरे अरे हाँ माजी, बहुत चंगे तरीके नाल आए ना। ए मेरा कजन है माजी, मेरे ताऊ दा मुंडा। चंगा चंगा, तो अंदर बहो ना, आइए चाय नाश्ता कराओ, मैं मंदिर होके आनी हूं, ठीक है जी? बहो तू की कर रहा है थे? तू इत्थे ब्याह दे मजे ले रही है, हैं? ते मैं उत्थे फोन दे फोन करी जा रहा, किथे अमित? अमित करे नहीं ने, बाहर गए ने किसे काम तो। तुहानू की लग गया, तुसी मैनू चकमा दे दोगे, मेरे पैसे मार लोगे ते मैं कुछ नहीं कहांगा, हैं? चल पैसे काट मेरे। जरा हौली बोल, पैसे नहीं है साडे कोल। मैं तो भुल ही गया, अमित दे घर दे नू पता तुहाडी असलियत, दसा। कला मैं तेरे सामने हाथ जोड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज किसी ने कुछ ना दसी। ठीक है, मैनू वैसे भी तेरी पर्सनल लाइफ च कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तो बस मेरे पैसे च इंटरेस्ट है, तू मैंने पैसे दे दे, मैं चले जावांगा। पैसे साडे कोल नहीं ने, जे हुंदे ते तैनू कदों दे चुके हुंदे, तू क्यों नहीं ए गल समझदा? अच्छा ता ए हार बड़ा महंगा पाया होया तू, चल ए नेकलेस उतार, इस महीने दी किस्त मैं ऐसे तो ले लांगा, चल कड। नहीं नहीं, मैं ए नेकलेस नहीं दे सकदी तैनू। नहीं दे सकदी तां ठीक है, आण दे माजी नू, उहनां नू तुहाडी हकीकत दे बारे दसदा कि तू ते अमित उहनां नू किवें धोखा दे रहे हो, ते ये भी दसांगा कि तेरा नाम सोनम नहीं बल्कि, बोल दस दे तेरी सच्चाई तेरे घरदिआं नू, फिर तेरे घर वाले तेरे नाल नाल अमित नू वी इस घर तों बाहर कर देणगे। प्लीज खन्ना, मैं तेरे सामने हाथ जोड़दी हां, किसे नू कुछ ना दस। ना दसा, चल ए हार दे दे मैनू। ठीक है चलदा, अगली किस्त तैयार रखी। अगले महीने तो पहला कोई कॉल ते मैसेज तो बिल्कुल भी ना करी। मैसेज? केड़े मैसेज? मैं कोई मैसेज वैसे नहीं किता, ते हाँ हुण अगली बारी ना कोई मैसेज करांगा ना कॉल करांगा, सीधा तेरे घर आऊंगा। की कर रहे हैं? हाँ? वैसे दिखन चेता होट हो। एक ही बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, चाहत है तोहनू बिना कपड़े तो देखन दी। निहाल ज्यादा ड्रामे ना कर, तेरी सारी सच्चाई जानदा मैं, पहला था बस मैनू शक सी, लेकिन हुण मेरा शक यकीन च बदल गया है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜਸ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, बस तुहानू बिना कपड़िया तो वेखना चाहुंना। देख निहाल, ए तू सही नहीं कर रहा, अमित नू पता लग गया ना वो तैनू छड़नगे नहीं। हाँ हाँ दस दो, फिर मैं भी मम्मी डैडी नू दस दांगा कि तू हकीकत है कौन, फिर वो थोनू इस घर चो धक्के मार के कर देंगे। जिदा मैं कह रहा चुपचाप उदा ही कर, चल कपड़े उतार। ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਬੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਜਾ। ਬਾਏ ਭਾਬੀ।
बहु तेरे गले दा हार। ओ माँ जी, बहुत गर्मी लग रही सी, तब पारी फील हो रहा सी, अंदर अंदर रखता है। अच्छा कोई गल नहीं, तू एक काम कर, आराम कर ले, ठीक है, जा। अमित कदों आओगे तुसी? तू ऐसे की कर रहे हैं? मैं तो बस अधूरा काम पूरा करना आया सी, जो मैं राती नहीं कर पाया सी। मेरे कोल ना आई, हां मैं चीकांगी ते मम्मी जी ने बुला लांगी। हां हां बेबे नु बुला ले, ओना नु भी तो पता लगे तेरी सच्चाई है की, तू है की। उतार। सुधा, सुधा। अरे तुसी लोकी इन्नी जल्दी आ गए? तुसी लोकी ते दो चार दिन रुकन वाले सी ना? अरे ता की करदा, इस तो ता आफत आ गई सी कि चलो पापा, चलो पापा, ता आ गए। माँ जदो सारा काम खत्म हो ही गया सी ता की कर दे उत्थे? चलो कोई गल नहीं, और तुहाडा सारा काम खत्म हो गया? हाँ हो ही गया लगभग। माँ मैं आंदा एक मिनट। हाँ पुत्र। चलो थोड़ी चाय बना दियो, चलो। सुनो क्यों होया? अमित। अरे तू रो क्यों रही है? सुनो सुनो तू रो ना। अच्छा बैठ बैठ, गल करते हैं। दसो मैनू क्यों होया? जदों तुसी गए मैं नहाण जा रही सी, अमित 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 कोई ड्रामा ना करो, असी चुपचाप इथों चले जांगे, मैं इथे नहीं रहना, प्लीज। जरूर जावांगे, लेकिन जान तो पहला निहाल ने जो हरकत की थी ना, उस दा सबक सिखा के जावांगे। निहाल मैंने इथे आना ही नहीं चाहिदा सी, मैं जा रहा इथों। अरे सुन अमित, अमित चलो चलते हैं। अरे पुत्र तुसी लोकी इस तरह घर छोड़ के किथे जा रहे हो? मां सानू इथे नहीं रहना, असी दिल्ली जा रहे हैं। नहीं रहना? सुनिए सुनिए तो सही। की होया? ए वेखो ए बच्चे घर छोड़ के जा रहे ने। अमित ए की है, किथे जा रहे हैं? पापा हुण असी इत्थे नहीं रहना, असी वापस जा रहे हैं। अरे पागल हो गया है की? अरे निहाल न्याणा है, अनजाने च गलती हो गई उस तो, हुण इस गल दा पछतावा भी कर रहे हैं। की क्या वो पछता रहे है? होर तो कुछ नहीं कहा ना उसने। और की कहेगा, और कुछ भी है की, तू दस। लेकिन पापा हुण असी इत्थे नहीं रहना, असी वापस जा रहे हैं, तुसी समझे इस गल नू? नहीं पुत्तर, मेरी खातर, मेरी खातर गल मन जा, घर छोड़ के ना जा। बहु इन्ने दिना बाद ते साडे घर खुशियां आई ने, तू समझा ना इनू, तेरी गल मनेगा ना? छड़ के जा पुत्र। माँ जी तुसी रो ना, असी किते नहीं जा रहे, असी ऐथे ही रहांगे थोड़े कोल। सच्ची सच्ची पुत्र, बहु तेनू चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं आएगी, जो होया उन्हें भूल जा, सब ठीक हो जाएगा। पुत्तर, देखो पुत्तर निहाल ने तुहाडे नाल जो भी किया असी माफी मंगते हैं, पर तुसे चिंता ना करो, मैं होस्टल विच गल कर ली है, उसनों होस्टल भेज देंगे, ठीक है? जी पिताजी। पुत्तर पुत्तर इन्ने दिन हो गए तेनों इत्थे आए हो, पर तू अपने बारे च कदी कुछ दसिया ही नहीं सानू,
कुछ दसो सानू अपने बारे च। तेरे माँ प्यो कित्थे रहिंदे ने? असी कदी भी तुहानू उन्हां नाल गल करदे हुए नहीं सुना। ओ पापा जी, मेरे मेरे घर वाले दिल्ली च रहिंदे ने। ओ की है ना, इस व्याह दे कारण ओ लोग भी नाराज ने, तां गल ही नहीं करदे। माँ जी, ओ किचन च बर्तन पए ने, मैं जावां। हाँ, हाँ, की होया सोनू, तू इतनी परेशान क्यों है? मैनू लगदा निहाल ने पापा जी नू मेरे बारे सब दसता है। हुणे पापा जी मेरे पेरेंट्स दे बारे पुछ रहे सी। सोनू जी, एक गल होंदी, पापा सानू घर तों बाहर कढ दिंदे। मैं उन्हां नू चंगी तरह जानदा, ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਲਈਏ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੁੜ ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਹਾਂ, ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ। पापा जी चाह। पुत्र अमित, मैनू आज होस्टल जाना है निहाल दी गल करन लई। ओ की है कि आज आखिरी दिन है, आज ही बुला है। मैं सोच रहा कि आज ही फीस जमा करके निहाल नू उत्थे घल दईए। हाँ, ये ठीक क्या है पापा। और हाँ, ओ वड्डे भाई साहब दा फोन आया सी पिंड चो, जो हिसाब किताब रह गया सी ना उस लई। तां एक काम कर, तू चला जा, अज उत्थे रुक जावी, कल हिसाब करके वापस आ जावी। पर मैं किवें पापा? मैं नहीं जावांगा। अरे इस विच करना की है? उत्थे जाना है, हिसाब किताब करना और वापस आ जाना है, इस विच दिक्कत की है? अरे पापा, मैं सोच रहा सी कि तुसी वग जांदे। अरे पुत्तर, जे होस्टल नहीं जाना हुंदा तां मैं चला जांदा। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਸਟਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਸਟਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੋਸਟਲ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਸੋਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਮਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਘਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਖ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਿਹਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੂੰ, ਸੋਨੂੰ ਉੱਠ। ਹੈਲੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਸਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਸਰ, ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਓਏ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਲੈ ਚਲੋ। ਬੋਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਭੇਜੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਸਦੀ ਸੋਨੂੰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਸਰ,
ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਉਸਦਾ ਬਦਲਾ ਸਰ ਇਸਨੇ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ? ਸਰ ਦਰਅਸਲ ਸਰ ਸੋਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ? ਸਰ ਸੋਨੂੰ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਹੋਰ ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਖੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਸਰ। ਹੋਰ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਰ। ਹੋਰ ਉਸਨੇ ਸਰ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਨਮ ਨਹੀਂ ਸੋਨੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲ, ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹਵਸ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਹਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਬੋਲ। ਬੋਲ। ਬਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਘਟੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਪੂ ਨੀਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਭਾਬੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਪੂ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਬੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਿਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੀਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ ਉਸਨੂੰ। ਅਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਮਿਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਿਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਅਮਿਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਰੇਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ। ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ?
ਤੁਹਾਡੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ